पापा इंजीनियर हैं, वो यहाँ टनल डिग करवा रहे हैं। ये वेदा शहर और विनर सिटी के बीच का शॉर्टकट होगा और कई किलोमीटर रास्ते शॉर्ट हो जाएंगे। शिवा, अंदर किसी का भी जाना मना है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डिगिंग की वजह से अंदर बहुत धूल मिट्टी है। शिवा, तुम लोग बाहर से देखो, हम भी बाहर ही खड़े हैं। मेरे पापा से फोन करके पूछता हूँ। हाँ आदि, बोलो। पापा, मैं और मेरे दोस्त टनल डिग होते हुए देखना चाहते हैं, क्या हम कुछ देर के लिए आ जाएं? नहीं बेटा, ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ डिगिंग की वजह से धूल मिट्टी उत्पन्न है। हाँ? बेटा, डोंट वरी, हम सब है यहाँ। तुम्हारे पापा को जरूर बाहर निकालेंगे। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। देखो, अब अंधेरा हो चुका है। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। रात में यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। अब आप सब लोग सुबह आना, वैसे भी डिगिंग का काम रात भर चलेगा। ओके, जाओ जाओ। नहीं, मैं अपने पापा को अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। आदि बेटा, लड्डू सिंह जी ठीक कह रहे, हम सब मिलकर तुम्हारे पापा और बाकियों को बाहर निकाल लेंगे। चलो चलो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, सुबह आना। और वैसे भी रात भर मैं खुद यहाँ पे रुक के निगरानी रखूंगा। हम सब मिलकर तुम्हारे पापा और बाकी सबको जरूर बाहर निकालेंगे। इस माउंटेन में बरसात के पानी की वजह से अंडरग्राउंड कई छोटी छोटी टनल्स बन गई हैं। ये लाइन देख रहे हो, ये बरसात के पानी से बने रास्ते हैं। अगर हम पहाड़ के ऊपर जाके रास्ता ढूंढे तो शायद बरसात के पानी से बना कोई रास्ता नीचे जाने को मिल जाए और नीचे हम इस अंडर वाटर टनल के जरिए आदि के पापा तक पहुँच सके। अगर हम वहाँ जाके फंस गए तो हमें कौन निकालेगा? सुना है एलियंस पहाड़ों में घर बना के रहते हैं। अगर वहाँ एलियंस हुए तो उदी, तुम कभी एलियंस के अलावा भी तो सोचा करो। अच्छा, वहाँ भूत हुए तो? शुक्र है मेरी मम्मी अपने गांव गई हैं, वरना उनका पता नहीं क्या हाल होता। अभी उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम कल तुम्हारे पापा को ढूंढ लेंगे। डोंट वरी, सुबह होते ही चलेंगे। कोई रास्ता होगा जिसके जरिए हम आदि के पापा तक पहुंच सकते हैं। ध्यान से देखो। वो देखो, वहाँ एक टनल दिखाई दे रही है। चलो देखते हैं, शायद यही रास्ता हो।
नेटवर्क नहीं मिल रहा, किसी तरह लड्डू सिंह जी को इन्फॉर्म करना होगा। यस शिवा जी। हाँ, ये मेरा ही गैजेट है। लड्डू सिंह जी, हम ऊपर रास्ता ढूंढ रहे थे और एक केव से नीचे आकर गिर गए हैं। आप जल्दी आइए। डोंट वरी शिवा, डोंट वरी, हम अभी आते हैं। चलिए चलिए नाना जी, चलिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब हम भी फंस गए हैं, अब हमें कौन बचाएगा? शांत रहो यूडी, हमें यहाँ से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जे तो जोर से भूख लग रही है। यूडी, तुम्हें हमेशा मुसीबत में ही भूख क्यों लगती है? जब मुझे डर लगता है तो भूख लगती है। खाना तो मिल नहीं रहा, पानी पीकर ही पेट भर लेता हूँ। पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। लेट जाओ और मुंह पानी में डाल दो, अपने आप पानी सीधा मुंह में चला जाएगा। ये पानी पीने का यूनिक तरीका था। हेलो, कोई है? आदि बेटा, आदि बेटा। हाँ पापा, कहाँ हो? आदि बेटा, हम यहाँ टनल में फंसे हैं। लगता है पापा कहीं नजदीक के टनल में ही हैं। अब हम क्या करेंगे? टनल तक जाता हूँ। अगर सही में रिवर उस केव तक जा रही है तो अपना काम बन सकता है। मैं कुछ करता हूँ।